मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13, अकल बढ़िया भैंस। जंगल की बाहरी छोर पर एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। पास ही एक नदी थी, उसी नदी में नहाने एक भैंस आती थी। बंदर बार बार बराबर उसे देखता था और चाहता था कि उससे बातचीत करे, लेकिन भैंस उसकी ओर देखती तक नहीं थी। एक दिन बंदर ने पूछा, कहिए कैसे है? भैंस तुनक गई, बोली तुमको जरा भी अकल नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? ना नमस्ते ना सलाम, बड़े आए बात करने। बंदर को हंसी आ गई, खें खें करने बोला, आप किस बात में बड़े हो? अरे मेरा लंबा चौड़ा गठीला शरीर देखकर भी नहीं समझे कम अकल, कहा भैंस ने। देखो बच्चों क्या हुआ, जंगल के बाहरी छोर पर, जो जंगल था उसके बाहरी इलाके पर एक पेड़ था जिसमें एक बंदर रहता था। वो पेड़ कहाँ था? एक नदी के पास था, नदी के पास था, और जंगल के बाहरी छोर पर एक बंदर रहता था पेड़ पर। उसी नदी में हर रोज एक कौन नहाने आती थी? एक भैंस नहाने आती थी। बंदर बार बार उसे देखता था, चाहता था कि उससे बात करे, लेकिन भैंस उसको देखती भी नहीं थी और वह चली जाती थी नहाकर। एक दिन बंदर ने क्या किया, उससे पूछा कि कहिए जी कैसे हैं, उसको बोला कि आप कैसे हैं बोला, तो भैंस क्या किया, वो चुप हो गई, वो गुस्सा हो गई, तुनक गई मतलब गुस्सा हो गई, और बोली कि तुम्हें बड़ों से बात करने का जरा भी अकल नहीं है, कैसे कम अकल हो, ना नमस्ते बोल रहे हो ना सलाम बोल रहे हो, बड़े आए बात करने वाले, बड़ों से बात करने की तमीज़ भी नहीं है, बोला ऐसा भैंस ने। तो बंदर को हंसी आ गई और बोला, खें खें करके बोला कि तुम किस बात में मुझसे बड़े हो, भैंस को ऐसा बोला, तुम किस बात में मुझसे बड़े हो? तो भैंस ने बोला, मेरा शरीर देखो, मैं कितना लंबा चौड़ा हूँ, मोटा हूँ, कितना गठीला हूँ, कितना तुमसे बड़ा दिखता हूँ, फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, ऐसा उस भैंस ने बोला।